नहीं आता, रिजल्ट नहीं आएगा तो क्रिटिसिज्म, लो प्रोग्रेस रहेगी आपकी, लो रिजल्ट्स, और अगर आप जबरदस्ती प्रोफेशन में आगे भी चले जाए, इवन आपके प्रोफेशन की बात करता हूँ कि एंड ऑफ द प्रोफेशन कहाँ पे होता है, मिड करियर ग्रोथ पे, आप नंबर वन पोजीशंस पे नहीं जा पाते, जैसे चंद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो बड़ी पोजीशंस है उनको शायद आप जानते हो, शेफर जैसे साहब FPR के चेयरमैन बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बड़ी पोजीशन होती है, ICAP के प्रेसिडेंट बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी एक बड़ी पोजीशन है कि बाकी सारे मेंबर्स आपको बेहतर इंसान समझे तो उन्होंने आपको इलेक्ट कर दिया, आपको ICAP का प्रेसिडेंट बना दिया, आपको वजीर बना दिया, वजीर फाइनेंस बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर जिसको कहते हैं, आपको बेहतर समझा जा रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपके करियर की अटमोस्ट पोजिशंस हैं, अगर आपका उस काम में दिल नहीं है तो आप नहीं पहुँच सकते। ऑर्गेनाइजेशन में आपने मिडिल लेवल पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आमतौर पर मिडिल लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर लेवल से शुरू करते हैं अपना करियर, अगर आपको कंपनी में ऑनर के बाद नंबर टू पे आप नहीं हैं तो इसका मतलब है आपको उस काम में दिल नहीं है, आप उसको ओन नहीं करते, आप उसको दिल लगा के काम को नहीं करते, तो आप मिड करियर तक पहुँच सकते हैं, आप टॉप पोजिशन तक, नंबर वन नंबर टू तक नहीं पहुँच सकते अनफॉर्चुनेटली। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑनरशिप लेते हो तो उसके कंसिक्वेंसेस, आप पूरे दिल से काम करते हो, पूरे दिल से काम करेंगे तो आपको खुद भी तसल्ली होगी, टीचिंग इज़ माय प्रोफेशन, तो मैं जब जितना पढ़ाता हूँ मुझे खुद से तसल्ली होती है, मुझे इरिटेशन कभी होती नहीं, सुबह से शाम तक आधे घंटे का सेशन होगा, घंटा कब होता पता नहीं चलता, मुझे पीछे से इशारा तो सर टाइम हो रहा है। अफेक्टिवनेस ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी गलतियों के चांसेस कम से कम होते हैं, जब आप दिल से काम कर रहे हो तो गलतियों के चांसेस कम होते हैं। अम्मा ने कहा दूध बॉयल करो, उधर आके आगे मोबाइल पे चैट करना शुरू हो गया, मेरे दो बलिए या दो किलो दूध था वो इतना उबला कि एक किलो रह गया बाकी उड़ ही गया। ये क्या, जब आपका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन जब आपका दिल चाह रहा, दिल से काम कर रहे हो, आप उसको ऑन करते हो कि इसका नुकसान होगा तो मेरा नुकसान है, एक दो बॉयल उसके उबाले आने के बाद आप उसको उतार दोगे कि ज़्यादा वेपोरेट ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, आप उसके करीब रहोगे, उसकी केयर करोगे। अफेक्टिवनेस।